त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के ग्राम प्रधान, बीडीसी व क्षेत्र पंचायत सदस्य की मतगणना का कार्य पूरा हो गया है, जिसमें 1293 ग्राम प्रधान, 1700 बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य की घोषणा कर दी गई है। इसके संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने सभी विजयी ग्राम प्रधानों एवं प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी विजयी प्रत्याशी मिलजुल कर काम करेंगे और जनपद का विकास कर प्रदेश में जिले की अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर में 2 मई को त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के लिए जो 8 बजे सुबह से मतगणना आरंभ हुई थी, वो मतगणना पूरी हो गई है और सभी 1293 ग्राम पंचायत प्रधान, 1700 बीडीसी मेंबर्स और ग्राम पंचायत वार्ड के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। मतगणना के बाद सभी विजयी प्रत्याशी को सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्देश है कि वो कोई विजय जुलूस ना निकालें और ना ही भीड़ करें, इकट्ठा करें। सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को, जो भी चुन करके निर्वाचित हुए, उन सबों को पंचायत राज परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग आगे गोरखपुर के ग्रामों और क्षेत्रों के विकास के लिए, ग्रामीण गोरखपुर के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे और गोरखपुर को राज्य ही नहीं पूरे देश में सबसे उत्तम जिला बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ सभी जीते हुए प्रत्याशियों को हम बधाई देते हैं।